एक गांव दो घर छह हत्याएं। बीते दिन यूपी के देवरिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जमीनी विवाद में पहले एक हत्या हुई, फिर बदले में पांच और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात की जड़ 10 बीघा जमीन है, जिसके लिए ये खूनी संघर्ष हुआ। सोमवार 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव के लहरा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। ऐसे में बीते दिन सत्य प्रकाश और प्रेमचंद के बीच इस 10 बीघे जमीन को लेकर फिर से कहासुनी हुई। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद की लाश मिली। ये देख के प्रेमचंद के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सत्य प्रकाश के घर पर हमला कर दिया। 6 लोगों की हत्या के मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पूरे गाँव में भारी पुलिस बल की तैनाती है।